पाठशाला में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का चैप्टर खोलता। एक कहावत है, जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के लिए कहावत बिल्कुल सटीक है। जिस ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2005 में कांग्रेस ने ताकतवर बनाया और इसी ताकत के बल पर दूसरी पार्टी के नेताओं को डराने, छापे डलवाने का उन पर आरोप लगा, भ्रष्टाचार के जांच के नाम पर परेशान करने का आरोप लगा, आज वही जांच एजेंसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर रही है, तो कांग्रेस को गुस्सा आ रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे पूछताछ की। दिन में करीब 11:30 बजे सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा के साथ दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां करीब 2 बजे तक उनसे पूछताछ हुई। अब सोनिया गांधी से अगली पूछताछ 25 जुलाई यानी सोमवार को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वैसे ही जैसे जब राहुल गांधी से प्रदर्शन पूछताछ के दौरान किया था। इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया, वैसे ही जैसे राहुल गांधी से पूछताछ के समय सत्याग्रह नाम दिया। लेकिन सत्याग्रह के नाम पर जमकर हंगामा हुआ, आगजनी हुई, ट्रेन रोकने की कोशिश हुई, आम लोगों की परेशानी बढ़ाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान एक कार में आग लगा दी। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन फायर फाइटर टीम की सूझबूझ से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। अच्छा, आग जिस गाड़ी में लगा रहे हैं गौर किए हैं? पुराना वाला मारुति 800 में लगा रहे हैं। अगर इतना ही मन में वो था दुख, तो महंगी गाड़ी में लगाते, लेकिन दिखाने के लिए गाड़ी में आग लगा रहे कि देखिए मैडम, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, हमने गाड़ी में आग लगा दी। अच्छी बात है, या गाड़ी में आग लगा के सत्याग्रह होता है? हैदराबाद में कांग्रेस के लोगों ने स्कूटी में आग लगा दी। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट गए, उन्होंने ट्रेन रोकी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चंडीगढ़ में तो गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। सड़क पर लगे बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे कांग्रेसी समर्थकों पर पानी की बौछार करनी पड़ी, जिसके बाद वो काबू में आए। यह है सत्याग्रह। गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने के लिए कांग्रेस के नेता कैसे सड़क पर उतरे, इसका एक वायरल वीडियो भी दिखाता हूं। कांग्रेस के एक नेता हैं अजय कुमार। दिल्ली में आज प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और गाड़ी में जगह नहीं होने की वजह से उन्हें हिरासत में नहीं लिया, तो वो परेशान हो गए। सड़क पर ही वो गाड़ी के सामने खड़े होकर कहने लगे कि अरे मुझे भी ले लो। एक बार पूरा वीडियो देखिए। ये कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह है। आज अजय जी भले आदमी है, लेकिन अटेंडेंस तो लगा नहीं कि हम भी आपके लिए गए पुलिस स्टेशन, तो कह रहे हैं हमको भी बैठाओ, और बस चली गई और अंदर वाले देख के अंदर आज रहे, अरे अजय जी रह गए सड़क पर। खैर, ये एक वीडियो वायरल हुआ। वैसे जिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को कांग्रेस पानी पी पी कर कोस रही है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। उसकी स्थापना 1956 में ही हो गई थी, लेकिन 2005 तक ईडी के पास कुछ खास ताकत थी नहीं। और 2005 में सरकार किसकी थी? यूपीए की। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष थी। ना तो ईडी खुद से किसी मामले की जांच शुरू कर सकती थी 2005 तक, ना किसी को पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती थी। लेकिन 2002 में संसद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास किया गया। इस वक्त एनडीए की सरकार थी। इस कानून का मुख्य मकसद काले धन को सफेद करने से रोकना था, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कानून से जांच एजेंसी को आरोपी के धन को जब्त करने का अधिकार मिल गया। 2002 में यह कानून तो बन गया एनडीए के जमाने में, लेकिन यह लागू हुआ 2005 में, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इस कानून के लागू होते ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को काले धन और आर्थिक अपराध के जांच की खुली छूट मिल गई। 2005 पीएमएलए के लागू होते ही ईडी के पास आरोपी को नोटिस भेजने, गिरफ्तार करने और संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया।
तब यूपीए की सरकार को मात्र एक साल हुआ था सत्ता में आए हुए और ईडी को यह ताकत दी गई। ईडी को एक साल में ही ताकतवर बनाया गया और आरोप लगता है कि यह विरोधियों को परेशान करने के लिए था। यह आरोप तो आज भी लग रहा है, लेकिन ईडी को पावरफुल तो आपने ही बनाया ना भाई। कांग्रेस सरकार ने ईडी को ताकतवर बनाया तो इसके दुरुपयोग का आरोप भी कांग्रेस पर खूब लगा। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कैसे कैसे आरोप लगे थे आपको जरा याद दिलाता हूं। गुजरात दंगों के मामले में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने का आरोप सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर लगे। अभी तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में यह आरोप लगे थे, अहमद पटेल ने नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए थे और बीजेपी ने दावा किया था कि यह रकम सोनिया गांधी के इशारे पर दिए गए थे। यह अभी रिसेंटली आरोप लगा है। 2010 में गुजरात के उस समय के गृहमंत्री अमित शाह को सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस में गिरफ्तार किया। बाद में अमित शाह बरी हो गए और आज देश के गृहमंत्री। 2012 में यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन रेड्डी को गिरफ्तार किया। जगन रेड्डी करीब 16 महीने तक जेल में रहे, बाद में जगन रेड्डी जेल से निकले, आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2013 में डीएमके ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया। इसके ठीक बाद सीबीआई ने एमके स्टालिन के घर पर छापे मारे, आज वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। 2007 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हुई, लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं। ये एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप दूसरे नेताओं ने जब लगाए यूपीए के जमाने को लेकर, वो आपको याद दिला रहा था। जांच एजेंसीज की मदद से कैसे बदला लेने का आरोप लगा ये आपने देखा, लेकिन कांग्रेस नेताओं के लिए वफादारी दिखाने का भी दिन था आज। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी के समर्थन में सड़क पर निकले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो सोनिया गांधी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ईडी को सोनिया गांधी के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी। एक बार सुनिए उनको। इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किस महिला को किस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं, ईडी वाले घर जाते हैं बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई अशोक गहलोत जी से पूछे कि क्या ईडी से, ईडी की जो पूछताछ होती है उसमें सबके घर पर जाकर पूछताछ की जाए क्या, या गांधी परिवार के लिए अलग नियम, या यह कोई उनसे पूछे कि सोनिया गांधी जी ने क्या रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे घर में ही पूछताछ कर लीजिए और उसे मना कर दिया गया। आपने मना नहीं किया, आपने रिक्वेस्ट नहीं की, तो जैसे बाकियों को बुलाया जाता है वैसे बुलाया गया, लेकिन अशोक गहलोत साहब को लगता है कि भैया घर पर पूछताछ होनी चाहिए थी सोनिया गांधी से। और यूपीए के राज में करुणानिधि 80 साल के थे, उनकी पत्नी को ईडी ने बुलाया था इसी तरह से पूछताछ के लिए। तब अधीर रंजन चौधरी तो अशोक गहलोत से एक कदम आगे निकल गए, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया है। सुनिए जरा, हमारे यहाँ का मार्शल लॉ चल रहे हैं क्या, ये ईडी को इडियट बनाने बना दिए हैं ये सरकार ने। ईडी को सोनिया गांधी को इडियट बनाते हुए ये सरकार कुछ दिन पहले ही अस्पताल में दर्ज हुई थी जिनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सरकार उसके खिलाफ, मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके की हिंसा और अत्याचार की सियासत कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग रहे हैं। अगर सोनिया गांधी जी की कुछ हो गई तो हिंदुस्तान की आम जनता ये सरकार को नहीं माफ करेंगे। बताइए, ईडी को इडियट बुला रहे हैं, कह रहे सोनिया गांधी जी को कुछ हो गई तो जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई, सोनिया गांधी जी की तबीयत कुछ दिन पहले खराब थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं नहीं आ सकती, तो क्या जबरदस्ती बुलाया गया था, उनको वक्त दिया गया। जब उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ सकती हूं पूछताछ के लिए, तब बुलाया गया। लेकिन सड़क पर उतर कर कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी के खिलाफ हिंसा, कहां हिंसा हुई भाई, कहां हिंसा हुई। सोनिया गांधी के बचाव में अधीर रंजन चौधरी ने एक और अनोखा तर्क दिया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कोई आदमी यह कभी यकीन नहीं करेगा कि जो पार्टी 54 साल हिंदुस्तान की सत्ता में रह चुकी है उस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ रुपया, सिर्फ 90 करोड़ रुपया हमें घोटाला करने की जरूरत पड़ेगी, यह सिर्फ एक सियासत है। यह बयान दे रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि 90 करोड़ रुपया तो कुछ है ही नहीं और हम इतने साल रहे, 90 करोड़ का करेंगे, 90 करोड़ का
करना होगा तो बहुतों का करेंगे, ये तर्क है क्या उनका? पिछले तीन दिनों से संसद में जीएसटी और महंगाई पर खूब हंगामा हो रहा है, याद है ना? कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्य प्लेकार्ड लेकर वेल में पहुंच रहे थे। इन प्लेकार्ड पर जीएसटी और महंगाई जैसे शब्द लिखे हुए थे, जबकि जीएसटी काउंसिल में खुद ये लोग हां हां किए कि 5% लगाइए, संसद में हंगामा कर रहे थे। चलिए ठीक है, पोस्चरिंग कर रहे थे कि हम पब्लिक के साथ हैं। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा था कि सरकार महंगाई पर चर्चा से भाग रही है। पिछले तीन दिनों की तरह आज भी संसद में हंगामा हुआ, लेकिन आज भी विपक्षी सांसद सदन में प्लेकार्ड लेकर पहुंचे, लेकिन आज मुद्दा बदल गया। आज प्लेकार्ड पब्लिक के लिए नहीं था, आज प्लेकार्ड पर सोनिया गांधी और ईडी लिखा हुआ था। आम जनता का दर्द कांग्रेस भूल गई और आज सोनिया गांधी के समर्थन में हंगामा करने लगे। हालांकि विपक्ष के इस हंगामे की वजह से आज भी संसद का काम चल नहीं पाया। संसद में सोनिया गांधी के समर्थन के लिए कांग्रेस नेता इतने बेचैन थे कि एक साथ कई नेताओं ने एक ही मुद्दे पर स्थगन का नोटिस दे दिया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दुरुपयोग पर स्थगन प्रस्ताव दिया और चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर स्थगन का नोटिस देकर चर्चा की मांग की। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर राज्यसभा में व्यावसायिक नोटिस को निलंबित कर दिया। अब जैसे FIR क्लब होती है, वैसे इनकी चर्चा क्लब करा देनी चाहिए, सबको तो एक ही मुद्दे पर करनी। यानी कल तक महंगाई को मुद्दा बनाने वाले कांग्रेस नेता आज गांधी परिवार की रक्षा के लिए संसद में हंगामा कर रहे थे। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया कि आज कांग्रेस ईडी पर चर्चा चाहती थी लेकिन सरकार ने नहीं होने दी। जीएसटी पर चर्चा करो, स्थगन स्थगित। महंगाई पर चर्चा करो, सदन स्थगित। अग्निपथ पर चर्चा करो, सदन स्थगित। एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा करो, सदन स्थगित। आज सरेआम देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है, इस अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा, यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया। आज एक और दिलचस्प बात देखने को मिली। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता संसद तो ठप कर रहे थे, सदन के बाहर गांधी जी की मूर्ति के पास विरोध तो जता रहे थे, लेकिन सड़क पर नहीं निकल रहे थे। निकला था, आपने देखा कि सड़क पर जो है पूरे इसी तरह से इतने बड़े बड़े नेता निकले हों। लेकिन आज जब बात गांधी परिवार के लिए लड़ने की बात थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद के साथ साथ सड़क पर पूरे ताकत से निकले। यूथ कांग्रेस के कुछ लोग निकले थे विरोध प्रदर्शन करने, कुछ पोस्टर वोस्टर लगा, लेकिन यह ताकत जो अब दिखाई गई गांधी परिवार के लिए, वो आप आम लोगों के लिए दिखाई गई थी सड़क पर क्या? बड़े बड़े नेता सड़क जाम कर रहे थे क्या? कहीं नारेबाजी आपके लिए कर रहे थे क्या? कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि वो महात्मा गांधी की पार्टी, लेकिन गांधी के सत्याग्रह और कांग्रेस के आज के सत्याग्रह में काफी अंतर दिखता है। कांग्रेस के आज के सत्याग्रह में हिंसा है, लेकिन सही मायने में सत्याग्रह क्या होता है इसे आज पूरी कांग्रेस को ध्यान से देख लेना चाहिए और उन बातों को फिर से सुनना चाहिए जो कोई और नहीं महात्मा गांधी कहकर गए हैं, वो भी 1947 में। आपको महात्मा गांधी की वो बात जो उन्होंने कही, उन्हीं की आवाज अब आप सुनने जा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं देख रहा हूं कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है, ऐसा कहते हैं। तो मुझको बड़ा शक है कि जिस जगह पे वो कहते हैं सत्याग्रह चलता है वहां सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी आदमी, पीछे भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो, या तो देशी राज्यों में हो, जिस जगह पे वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था? अगर सत्य है तो सत्य का आग्रह तो हमेशा हर हालत में करना ही चाहिए। ये गांधी जी थे जो बताकर गए कि सत्याग्रह क्या होता है। आज गांधी परिवार के लिए जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं उन्हें यह बात दिलाना, याद दिलाना जरूरी था कि बापू कहकर क्या गया।